वित्त रहित शिक्षकों के जो अनुदान बाकी हैं 8-9 वर्षों का, वो तत्काल भुगतान किया जाए। बच्चा के पढ़ा के पास कराने पर आप पैसा देते हैं, इसको अन टेक्निकल मामलों में कुछ लेना देना नहीं है, सरकार ने स्वीकार किया है। जो नियोजित शिक्षक BPSC से अभी कन्फर्म हुए, उनको सेवा निरंतरता नहीं मिला था। पीछे वो मान लेते हैं 10 साल काम किए और हम कहीं गए तो सेवा निरंतरता मिलेगा ना, वो 10 साल झूठना ना चाहिए। वित्त रहित शिक्षकों के लिए उनके अनुदान मिलेंगे और जिनका हाई स्कूलों को और जो इंटर कॉलेज के जो कोड निलंबित कर दिए गए थे उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके एडमिशन के लिए और उनका कोड निर्गत किया जाए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। वित्त शिक्षकों के मुद्दे परिषद में बैठक इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर नवल किशोर यादव जी मौजूद है। सर, एक बड़ी बैठक आज हुई थी, अहम बैठक थी, क्या कुछ कहेंगे इस बैठक के बारे में? जो 5 एजेंडे थे, 5 एजेंडा को अप्रूव किया। माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की। पहला एजेंडा यह था कि वित्त रहित शिक्षकों के जो अनुदान बाकी हैं 8-9 वर्षों का, वो तत्काल भुगतान किया जाए और अफिलिएशन ग्रांट के नाम पर इनको रोका नहीं जाए। क्योंकि शिक्षकों के बच्चा के पढ़ा के पास कराने पर आप पैसा देते हैं, इसको अन टेक्निकल मामलों में कुछ लेना देना नहीं है, सरकार ने स्वीकार किया है। दूसरी बात यह था कि जो नियोजित शिक्षक BPSC से अभी कन्फर्म हुए, उनको सेवा निरंतरता नहीं मिला था। पीछे वो मान लेते हैं 10 साल काम किए और हम कहीं गए तो सेवा निरंतरता मिलेगा ना, वो 10 साल झूठना ना चाहिए, उस पर भी सहमति हो गई है। अनुदान पर भी सहमति हो गई है। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में कुछ स्कूल और अनट्रेन टीचर बचे हुए थे, उस पर भी हो गया है। और इसी तरह 4-5 एजेंडे थे, सारे पर सहमति हुई, 1 महीना के अंदर मंत्री ने कहा है। अच्छा, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी पिछले दिनों कई तरह की बातें सामने आई, इस पर भी कोई चर्चा हुई क्या? इसमें ऐच्छिक स्थानांतरण के तो कानून बन रहे हैं, इस एजेंडा में ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं था, वो तो अलग से बन रहा है, रिलीज हो जाएगा। वित्त रहित शिक्षकों के लिए सर क्या कुछ बात? वित्त रहित शिक्षकों के लिए उनके अनुदान मिलेंगे और जिनका हाई स्कूलों को और जो इंटर कॉलेज के जो कोड निलंबित कर दिए गए थे उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके एडमिशन के लिए और उनका कोड निर्गत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर नवल किशोर यादव हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए और जो अहम बैठक रखी गई थी उस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।